अगर ऐसा वार्डरोब आपको बनवाना है तो ये पूरा पॉलिश में है, इसमें लैमिनेट बिल्कुल भी नहीं लगा है। अंदर साइड में सिर्फ इंटरनल व्यू में जो है उसमें लैमिनेट लगा है, और बाकी बीनियर और ये सागवान वुड है जिसको टीक वुड बोलते हैं। तो इस वीडियो अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरा फुल जानकारी मिलेगी इसमें कैसे वार्डरोब इंटरनल एक्सटर्नल क्या साइज है, क्या हाइट है और क्या डेप्थ है। तो इसमें पूरा मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहे इस वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए वीडियो में दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये फ्रंट व्यू है। और तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ की बात करता हूँ। ये यहाँ से इसका लेंथ जो है वो 7 फीट का है टोटल, यहाँ तक वहाँ से यहाँ तक 7 फीट है। और इसकी जो हाइट है नीचे से ऊपर तक ये 7 फीट 2 इंच है, टोटल 7 फीट 2 इंच मतलब 86 इंच। और इसकी जो डेप्थ है ये अंदर की जो ये गहराई है ये 2 फीट है, यानी कि 24 इंच। तो ये बाहर का हो गया साइज। और अभी ये जो टक्कर है ये साइड की, ये 1.5 इंच की टक्कर रहती है, और इस साइड में जो टक्कर है वो भी 1.5 इंच की, ये वाली। अभी इसमें जो बचता है सेम उसको इक्वल करके डोर बनता है अपना। तो ये 40 इंच का डोर है, और ये दूसरा वाला ये भी 40 इंच का डोर है। और इसके नीचे जो है ये ड्रावर बना है, ये 7 इंच का ड्रावर है नीचे का, और एक उधर है, दोनों के सेंटर में दो दो है। और ये साइड में ये बीनियर लगा हुआ है, ये बीनियर है और ये सागवान है। इसके ऊपर पॉलिश होगा, तो ये पूरा पॉलिश बाहर से पूरा पॉलिश ही होगा, इधर बाहर से कुछ लैमिनेट नहीं है, अंदर साइड में लैमिनेट है। तो चलिए मैं आपको इंटरनल व्यू दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले चैनल की बात करता हूँ, तो ये सादा चैनल है अपना, ये सब क्लोजिंग नहीं है, ये सादा चैनल है। ये ऊपर ये यहाँ पे अपना डोर आके रुकता है यहाँ पे, ताकि इसमें लड़े ना, नहीं तो खटखट आवाज़ होती है। और ये जो रनिंग का जो ये रहता है, ये रनिंग का जो पट्टा रहता है ये 5 इंच का, मिनिमम 5 इंच रखते हैं। तो इसमें कैसा दोनों डोर आके रुकता है, यहाँ पे रेस्ट होता है। और अंदर अंदर जो आपको फिर मिलता है स्पेस वो 18 इंच मिलेगा, क्योंकि 24 इंच टोटल है, तो 5 इंच लेस करते हैं तो 18 इंच अंदर आपको यूज करने को मिलता है। अभी ये ऊपर का हम लोग पर ये कंपार्टमेंट बना है एक सेल्फ रख के यहाँ पे, तो ये जो है आपको 10.5 इंच का ये कंपार्टमेंट है, ये 10.5 इंच का। और लेंथ इसके देखेंगे अंदर अंदर तो 41 इंच है, 41 इंच। ये देखिए, और उसके बाद ये हैंगर है यहाँ पे कपड़े पे टांगने के लिए, तो ये 32 इंच का आपका ये इसकी साइज है, हाइट ऐसे में 32 है हाइट में, और लेंथ में ये अपना 41 इंच है, 41 इंच। और उसके बाद देखेंगे तो ये लॉकर है जिसे तिजोरी बोलते हैं, ये देखिए, ये इसमें आप पैसे वैसे रख सकते हैं। और उसके बाद इसके साइड में है ड्रावर, ये लॉक ऊपर वाला जो ड्रावर रहता है वो लॉक होता है और नीचे वाला ओपन रहता है। इसमें खजूर है, वो भी मैं खा रहा हूँ अभी। और नीचे वाला जो है वो ओपन है, देखिए ये ओपन रहता है, और इसमें हैंडल भी नहीं लगता, ये नीचे से बस ऐसा खींच सकते हैं, नीचे थोड़ा सा 10 mm नीचे रहता है, इसलिए खुलने में इजी होता है। और उसके नीचे फिर एक सेल्फ है, दो कंपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे, ये 10 इंच का ये है और ये भी 10 इंच का। तो कैसा स्टोरेज अपने को ज़्यादा मिल जाता है, अगर अच्छे से स्पेस यूज करके बनाएंगे तो स्टोरेज अपने को सामान ज़्यादा रखने को आ जाता है। तो अभी दूसरे साइड का मैं दिखा देता हूँ, दूसरा कंपार्टमेंट कैसा है वो भी दिखा देता हूँ आपको। और ये जो हैंडल है ये कंसील है, ये देखिए दूसरे साइड का, इसमें भी सेम है वैसा, ऊपर ये सेल्फ है, ऊपर कंपार्टमेंट, इसमें सूटकेस वगैरह अटैच वगैरह छोटे छोटे रख सकते हैं। और उसके बाद हैंगर है, ये पूरा बड़ा हैंगर है, ये 32 इंच मतलब 32 इंच का हाइट में, और लेंथ में अपना 41 इंच। और इसके अंदर जो लैमिनेट लगा है वो वैगनी कलर का है, जो मतलब थोड़ा कुछ लोग ये रहते हैं नेचुरल वुड में
लेते हैं तो कैसा गंदा रहता है, तो इसके लिए वाइट नहीं लेते वो लोग, तो ये कलर चूज करते हैं। ये भी ठीक चलता है, अच्छा चलता है। और इसमें सिंपली जो दो ड्रॉअर है, एक बगैर लॉक का है और एक में लॉक है, ये देखिए। और इसके साइड में जो जो रहता है पट्टा, ये 2-3 इंच का बनता है अपना, ताकि ये डोर में लड़े ना, इसके लिए ड्रॉअर इजी से खुल जाएगा। ये देखिए, ये पट्टा लगाने के बाद ही ये डोर ड्रॉअर खुलता है। अगर वहाँ पे लगा देंगे वहाँ से, तो फिर डोर में वो लड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे पट्टा लगता है साइड में, और इस साइड में भी 2 इंच का पट्टा लगता है, तो ड्रॉअर एकदम इजीली अच्छे से रन करता है। और उसके नीचे जस्ट देखेंगे तो यहाँ भी वैसा सेम है, 10 इंच का एक कंपार्टमेंट, वापस 10 इंच का एक ये कंपार्टमेंट। आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ ऐसे। और नीचे जो है ये ड्रॉअर, इसमें जूते वगैरह रख सकते हैं, फंक्शन में जाने के टाइम जो यूज करते हैं वो सब इसमें रख सकते हैं। एक ड्रॉअर के नीचे एक ड्रॉअर है, और फिर यहाँ पे एक ड्रॉअर इधर है। इसमें थोड़ा डस्ट वगैरह है, इसके लिए थोड़ा सा क्लीन नहीं दिख रहा होगा आपको वीडियो में। अभी ये टॉप की बात करें, ये वाला जो रहता है ये अपना 3 इंच का पट्टा है ऊपर से, ताकि वो डोर के ढक के रखे, वो दिखेगा ना, चैनल वगैरह दिखे ना आपको। और इसको जो है ये पेलमेट बोलते हैं इसको, ये टॉप जो है ये 5 इंच बाहर है, तो इसमें पेलमेट लगेगा, ये मतलब पेलमेट इसको बोलते हैं। और इसमें जो है लाइट लगती है, स्पॉट लाइट 3-3 इंच का जो आता है, 2-3 इंच का वो स्पॉट लाइट इसमें लगेगा। तो ये देखिए पूरा इसका फुल व्यू है सामने का, ये पूरा फोल्डिंग में है। ये हम लोग फैक्ट्री में जितना भी ऑर्डर रहता है फैक्ट्री में ही बनाते हैं,